आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। आपके साथ हूँ मैं विवेक रावत। बढ़ती हुई गर्मी ने अपने ही पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, जून के इस महीने में सर्वाधिक जो गर्मी का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है वो है 41.1। इसी को लेकर आज हम आए हैं देहरादून की सड़कों पर और जानने की कोशिश करेंगे क्या है जनता की राय इसको लेकर, और साथ ही साथ दिखाएंगे मौसम विभाग के निदेशक का क्या है इस पर कहना। तो चलिए, तो देहरादून की चिलचिलाती हुई गर्मी में इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो बड़े अनोखे तरीके से यहाँ पर अपना जो सामान है वो बेच रहे हैं। अब अनोखा तरीका क्यों है वो हम आपको दिखाते हैं। सर ने यहाँ पर एक जो टोपी की तरीके से एक जो कैप पहनी है उसमें एक अम्ब्रेला जो छाता है वो लगा हुआ है, तो ये एक बड़ा आश्चर्य करने वाली बात है। सर आपका नाम? भुवन चंद। सर, जो पिछले तमाम दिनों से जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, ऐसे में सबसे पहला जो सवाल है काम करना कितना मुश्किल हो जाता है? पहले नंबर तो सबसे पहले खुशखबरी है कि हमारे मुख्यमंत्री जीत गए हैं, चंपावत से जीत गए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद हो। बाकी तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतना बोतल लीटर ये ख़त्म हो गया है। ढाई लीटर की ये बॉटल है और सर बता रहे हैं कि पूरी बॉटल गर्मी के कारण ख़त्म हो गई है। ये बोतल भी ख़त्म हो गया। अब दूसरे पिए तो कहाँ से पिए, घर तो है नहीं, गर्म पानी कहाँ से पिए, ठंडा पानी इसी से गुजारा कर ले और शाम को 8 बजे जाएंगे, फिर घर में जाके पानी पियेंगे, वही बाजार से मांग के पी लेते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस समय, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आपको लगता है कुछ आने वाले दिनों में जो राहत है वो देखने को मिल सकती है? राहत तो अभी तो खैर है नहीं, अगले 15 जून जुलाई से तो होता है, तो बारिश का मौसम, उससे पहले तो बारिश का मौसम कोई है ही नहीं। जो आपका तरीका है, ये जो ये छाते को पहनने का अपनी एक टोपी के रूप में, ये बड़ा अनोखा है सर, ये कैसे आया? अनोखा आइडिया नहीं कि क्रिकेट मैच खेलते हैं उसमें देखा था हमने, क्रिकेट मैच में खेलते हैं हमने कहा दिल्ली से, हमने देखा, हमने ये लेके आए। इससे थोड़ी सी बचत तो है कि आँखों में बचत हो रही है। बस जो बढ़ती हुई गर्मी है उससे कितना मुश्किल हो गया जो रोज़मर्रा का काम है उसको करना? आजकल ना बड़ी मुश्किल से तो हम बाहर निकल पा रहे हैं, आज तो इमरजेंसी थी इसकी वजह से हम आज बाहर निकले हैं, इसे शॉपिंग में कर रहा था, तो इतने में भी हम छाता लेके आए हैं कि 5 मिनट की शॉपिंग में भी इतनी गर्मी हो रही है, तो बहुत मुश्किल है। फिर पानी भी सब थोड़ा सा वो हो रहा है, फिर क्राउड भी है, तो इस वजह से मैसी सा लग रहा है। रोज़मर्रा का काम होता है जैसे कहीं कॉलेज या कुछ भी और अन्य जो काम होता है उसमें कितना हार्ड हो जाता है? बहुत हार्ड हो जाता है, और हम तो ग्रेजुएट है तो मुझे और अजीब सा ही लग रहा है कि क्या आज इतने दिनों बाद निकली हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्यों आई हूँ मैं बाहर, इससे अच्छा घर ही में ही ठीक था पंखे के नीचे। मैम आप? मैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, मैं तो निकलती नहीं घर से बाहर, आज ही निकली और ऐसी हालत हो गई है। काम करना तो जरूरी है, थोड़ा काम था बाहर का, तब आज निपटा लिया, अब नहीं निकलते बाहर 2 महीने तक। वो तो अच्छा हुआ कि मैं छाता लेके आ गई थी, वरना तो बहुत ही हालत ही ख़राब थी। बड़ी मुश्किल से तबीयत ठीक हुई है गर्मी से, फिर हीट वेव्स भी ज़्यादा ही चल रही है। जो बढ़ती हुई गर्मी है उससे आप कितना? काफ़ी परेशान है, जैसे कि आप देख रहे हैं फुल प्रोटेक्टेड चल रहे हैं, ये लगा रखा है, हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, तो आप देख रहे काफ़ी है मतलब। और आप? बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी से डिहाइड्रेशन हो रहा है, बीमार हो रहे हैं बहुत सारे, तो बीमारी जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है उतनी ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ रही है। ऐसे में रोज़ बाहर निकलना पड़ता है, रोज़ तापमान बढ़ते जा रहा है, कोई प्रिकॉशंस जो आप ले रहे हैं जैसे आपने बताया अपने हाथों में ये है पानी की बॉटल आपके साथ है, उसके अलावा जो गर्मी है वो किस तरीके से आपको परेशान? फ्रूट्स ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं। अब तो काफ़ी गर्मी बढ़ गई है, फ्रूट्स खाना, वाटरमेलन, ऐसे जो सीजनल जो फ्रूट्स आते हैं उनका सेवन? हाँ, रोज़ कर रहे हैं, रोज़ ला रहे हैं। एक्चुअली कॉलेज भी जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, और प्लस टेम्परेचर राइज भी कर रहा है, क्लाइमेट चेंज का असर है जो भी है, प्लस यहाँ पे मतलब लोग ज़्यादा पॉल्यूशन भी बहुत देहरादून में बढ़ रहा है, और है यहाँ सीन की गर्मी डेली खुद का रिकॉर्ड तोड़ता है, और हम लोग मतलब खुद भी डील कर रहे हैं। देहरादून मतलब नॉर्थ में आता है इंडिया का, फिर भी टेम्परेचर राइज कर रहा है। हाँ, सीन तो हो रहा है बहुत ज़्यादा। कुछ प्रिकॉशंस हो जो आप ले रहे हो इस बढ़ती हुई गर्मी? प्रिकॉशंस में एक्चुअली वी कैन मतलब बेसिकली हम लोग होम घर पे तो ये कर सकते हैं, एयर कंडीशनर्स वगैरह बंद कर सकते हैं, यूज़ कम कर सकते हैं हीटर्स एंड ऑल विंटर्स में, तो ग्लोबल वार्मिंग का। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली। बढ़ती हुई गर्मी में अब तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बढ़ती हुई गर्मी में कितना मुश्किल हो जा रहा है घर से बाहर निकलना? काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, स्पेशली हॉस्टल में जैसे बच्चे रह रहे हैं वहाँ पे फैंस भी ढंग से नहीं चलते हैं एंड धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
और इवन हम लोग तो जो लोकल लाइट्स हैं इधर पे, हम लोग को इधर क्या बोलते हैं स्कूटी वगैरह में ट्रैवल करना, इन सब में इतनी सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ जाती है, क्योंकि अगर किसी को एलर्जीज वगैरह है, फिर सनबर्न, ये सब इन सब दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। इवन अभी भी हमें ज़्यादा ये छाते, चश्मे, ये सब चीज़ें, इवन बैग में भी आता सामान इन चीज़ों का ही होगा कि हम धूप से बच पाए। जैसे आपने पानी की बॉटल पकड़ी प्रिकॉशन के दौर में ताकि बॉडी डिहाइड्रेट, ये मेरी अभी तक की सेकंड बॉटल मैंने खरीदी है यहीं पे, बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, डिहाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इवन मेरे बैग में भी दो दो बॉटल्स हैं अभी, और अभी हम लोग वहाँ भी पी के, फिर मतलब जो भी अपने को जितना रख सकते थे हेल्दी वो सब खा पी के हम आए हैं कि मतलब ठीक है, थोड़ा रास्ते में हम लोग इवन चल पाए, वरना कब यहाँ फेंट हो जाए वो भी नहीं पता चलेगा। ऐसे में आप आगे, आपको लगता है कि मौसम आपको ठंडा देखने को मिलेगा कुछ समय बाद? उम्मीद है, मैंने तो इवन आज ही वेदर फोरकास्ट चेक करा है, 10 दिन तक ऐसी ही गर्मी है तो वो सोच के ही अभी ऐसा है कि इसलिए हमने कहा अगर हिम्मत नहीं कर पाएंगे निकलने के बाहर तो सब काम वैसे ही रह जाएंगे, तो बस अब काम के लिए निकल गए हैं बाहर, अब तो मौसम तो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। तो अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौसम विभाग निदेशक विक्रम सिंह जी, आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 2 जून को सर्वाधिक 41.1 का जो टेम्परेचर नापा गया है उसके बारे में विक्रम सिंह जी का क्या कहना है। हाँ देखिए, तापमान की अगर बात करें तो इस समय 30 तारीख से आगे जो है करीब ड्राई चल रही कंडीशंस जो है, और उससे पीछे भी छुटपुटी एक्टिविटी थी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी, और प्रदेश में तापमान बढ़े हैं, और हमने बोला भी था कि जो जून का जो है करीब 10 तारीख या एक सप्ताह जो करीब करीब है आप देखेंगे पूरा ड्राई रहने वाला है और उसमें तापमान बढ़ने वाले, तो तापमान बढ़ रहे हैं। और देहरादून की जहाँ तक बात है तो बिल्कुल कल ये 41 के आसपास ये पहुँच गया ऑलरेडी, और अगर आप रिकॉर्ड की बात करें तो 43.9 तक जो है करीब करीब 44 डिग्री हो गया, तो ये 1902 का है, तो ऐसा नहीं कि गर्म नहीं होता है, जून में अगर बारिश नहीं मिलती है शुरू में तो इस समय तो समर पीक पे होती है, तो टेम्परेचर जो है हायर साइड में बिल्कुल मिलते हैं रहते हैं, लेकिन हाँ ये कि उसका जो डिपार्चर है बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह की बात आप कह सकते हैं कि इस तरह का कभी कभी ऐसा ओकेजन बिल्कुल जून में वो रहते हैं। सर ये जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, ये पिछले 10 सालों का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया है, ऐसे में जो देहरादून की जनता है सर वो कैसे जो बढ़ती हुई गर्मी है उससे बच सकती है, तमाम जो ऐसी बीमारियां हो जाती है गर्मी से उससे कैसे बचा जा सकता है? नहीं, इस समय देखिए तापमान जब ज़्यादा रहेंगे तो यही है कि उससे बचाव का जो तरीका है कि दिन में जो है 12 बजे से लेकर अगर 3 या 4 बजे तक की बात की जाए तो 3-4 घंटे ऐसे रहते हैं कि जिस समय जो है जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो करीब करीब जो है जैसे आप कह रहे कल 41 के करीब ही रहा है, तो जो हाईएस्ट वैल्यू उसी के दौरान वो मिलेंगे आपको, जो टाइम दिन का अगर बात करें 12 से लेकर 4 के बीच, तो उस समय चाहिए कि अगर आपको ज़रूरी नहीं तो अवॉइड करें बाहर ओपन में जाने के लिए और घर में रहने की कोशिश करें, हाँ बहुत ज़रूरी तो आप निकल सकते हैं लेकिन उसमें भी आप पानी पी के निकलिए जिससे डिहाइड्रेशन वाली दिक्कत ना हो, और छाता वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं बेसिक जो चीज़ें हैं इस तरह को ले कर चलिए कि जिससे आप डायरेक्ट जो सनशाइन उससे आप बचें, तो जो टेम्परेचर कहीं ना कहीं जो बॉडी उसको थोड़ा बहुत कॉप अप करेगी, तो ये यही चीज़ ध्यान रखने की है, तो डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए और कोशिश ये करें कि इस समय इस दौरान जो जो जिस समय हाईएस्ट होता टेम्परेचर मैक्सिमम रहता है दिन में तो उस समय 12 से 3 जैसे मैंने बोला या 12 से 4 के बीच तो उस समय अवॉइड करें जो है ये चीज़ें। सर उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून वो अपने मौसम के लिए जानी जाती थी, ऐसा कहा जाता था कि अगर एक दिन गर्मी होती है तो अगले ही दिन जो मौसम है वो अपना रुख बदल लेता था, अगले ही दिन ठंडा हो जाता था, तो ऐसे में सर जो ये बढ़ती हुई गर्मी है ये पारा बढ़ता ही जा रहा है, इसका क्या कारण है सर? नहीं देखिए, जैसे मैंने बोला अभी कि जून में जो है जो टेम्परेचर से हाईएस्ट होते हैं पीक पे समर होती हैं, हाँ आप यहाँ का लोकल उसकी जहाँ तक बात करते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो वो होंगी, आप देखेंगे 5 और 6 को ऐसा लग रहा है कि जो जो टेम्परेचर है थोड़े 1-2 डिग्री और भी बढ़ेंगे, अभी आप कह सकते हैं कि आज 3 तारीख और 4 तारीख आप देखेंगे जो है करीब 42 तक भी पहुंच जाएगा आजकल में, हो सकता 5 को 43 तक भी आ जाए, लेकिन आप 5 में देखेंगे कि कुछ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो आपको वो मिलेगी, लेकिन यही है कि बहुत असर उस चीज़ का भी जो है नहीं दिख रहा है, जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी 5 और 6 को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5-6 तारीख में 2 दिन ये जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में कहीं कहीं पर मिलेंगी, और उससे थोड़ा सा जो है 1 या 2 दिन तो आप कह सकते हैं 5 और 6 में जो है थोड़ा तापमान कम होने चाहिए, लेकिन फिर 7-8 में फिर से और ड्राई विंड रह रही है,
जो थोड़ी मॉइस्चर मिल रही बीच में 5 और 6 को, वो फिर से कट ऑफ हो रही है। तो फिर ऐसा लग रहा कि जो 7, 8, 9 में जो है फिर से थोड़े टेम्परेचर वापस 42 या 43 के आसपास हो जाएंगे। लेकिन हाँ, 9 तारीख के बाद अगर बात करें तो फिर से जो है फिर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, मॉइस्चर फ्लो फिर कंटिन्यू सही रहेगा। तो 10 तारीख से आगे या 10 तारीख से अगर बात करें तो प्रदेश में फिर जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो बढ़ेंगी और टेम्परेचर फिर जो है धीरे धीरे कम होने शुरू होंगे। लेकिन 10 तक अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा राहत नहीं है 10 तारीख तक सर जी। तो 10 तारीख के बाद जो जनता को है वो कहीं ना कहीं थोड़ी ठंड या कोई कहीं ना कहीं कोई राहत देखने को मिलेगी देहरादून। हाँ, ठंडा तो अभी नहीं होगा, लेकिन यही है कि 10 तारीख से जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो फिर आगे कंटिन्यूस चलने वाली है, तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर वापस जो है नॉर्मल की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ 9 तारीख तक आप कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर बहुत राहत अभी नहीं मिलेगी। तो देखा आपने, हमने आपको दिखाने की कोशिश करी कि क्या कहना था देहरादून की जनता का बढ़ती हुई गर्मी को लेकर, साथ ही साथ हमने आपको दिखाया कि मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह जी का क्या कहना था बढ़ती हुई गर्मी को लेकर, उन्होंने कुछ उपाय बताए हैं जिससे आप बढ़ती हुई गर्मी से राहत पा सकते हैं। तो इसी तरीके की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल जय भारत टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत अपने सहयोगी प्रतीक शाली के साथ। मैं विवेक रावत, जय भारत टीवी।